बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पहला पहले मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है आपको। यस सर ओके जी। हाँ मैं स्क्रीन पहले शेयर कर लूँ। ओके जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर ओके तो एक दफा क्विकली मैं रीकैप कर दूं कि जूमला को इंस्टॉल किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले किधर जाना है। जूमला डॉट कॉम पर जाना है, और जूमला डॉट कॉम पर जाके हमने डाउनलोड एंड एक्सटेंड पर क्लिक करना है। डाउनलोड और एक्सटेंड पर क्लिक करने के बाद हमने डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, और जब हम डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होगी कि डाउनलोड जुमला, और आगे उसका वर्जन दिया होगा। ठीक है, उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो एक्सट्रैक्ट होकर, जस्ट अ मिनट, वो एक्सट्रैक्ट होकर जो है आ जाएगा आपके डाउनलोड्स में और कंप्रेस्ड में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो पैकेज उसका नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, ये इसका पैकेज नजर आ रहा है, जूमला 3.9.19 स्टेबल फुल पैकेज। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट टू जूमला ये व्हाट्सोएवर। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करके हमने पेस्ट करना है, जैम्प में जाना है और एसटी डॉक्स में जाना है। जैम्प में जाना है, एसटी डॉक्स में जाना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के जब पेस्ट आप करेंगे तो ये मेरे गालिबन 1-2 मिनट लेगा, उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। मीनवाइल जब तक वो कॉपी हो रहा है, मैं आपको वो जरा गिटहब का बता दूं। सो github.com पर हमने जाना था इस पे अकाउंट बनाने के लिए। मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं अपने पुराने अकाउंट से जो है इसको साइन आउट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक अपना नया अकाउंट बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अहमद बशीर CS3 52 यूजर नेम है। ठीक है, उसके बाद जस्ट मिनट, ईमेल जो है, ईमेल मैं CS352@gift.edu.pk, और पासवर्ड मैं इसका दे देता हूँ जो मुझे याद रहेगा, ये मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। ठीक है, एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ दोबारा, ये मैंने इसका जब पासवर्ड रखा तो यहाँ पर वो वेरीफाई कर रहा होगा अकाउंट को, अकाउंट वेरिफिकेशन। और अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर वो एक छोटी सी पजल देता है, उसको सॉल्व करना होता है। इसको मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ना तस्वीर नजर आ रही होगी किसी जानवर की, आपने इन एरोज को टच करके उसको सीधा करना है। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये सीधी होगी। ओके डन। नेक्स्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये भी सीधी होगी। इसी तरह ही इसको क्लिक किया, ये भी सीधी होगी, और इसको हम क्लिक करते हैं, ये भी ठीक हो गई। और इसी तरह से इसको क्लिक करके हमने ये ठीक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट हो गया, और उसके बाद हमने क्लिक कर देना है ज्वाइन फ्री प्लान पर। ज्वाइन फ्री प्लान पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, मेनली आप क्या करेंगे जी। मैं कह देता हूँ ओके आई एम अ स्टूडेंट, और प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस वो पूछ रहा है आपको कितना है, आप कह दें ठीक है आई एम समवेयर एक्सपीरियंस या आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग, इट्स अप टू यू, नन लिखना है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कि वो आप गिटहब किस लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ लर्न टू कोड, लर्न टू गिट एंड गिटहब, और स्कूल वर्क एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है यू आर इंटरेस्टेड इन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वर्ड प्रेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ जूमला,
इट्स अप टू यू, यहाँ पर आपने उसमें ऐड करने हैं या नहीं करने। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रिएक्ट कह देता हूँ तो ये आ जाएगा, मैं और मैं कंप्लीट कर देता हूँ सेटअप। सेटअप जब मैं कंप्लीट करूंगा तो वो कह रहा है कि हमने आपको वेरिफिकेशन मेल भेजी है। ठीक है, वेरिफिकेशन मेल भेजी है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने ईमेल अकाउंट में गया तो यहाँ पर मेरे पास मेल आ चुकी हुई है कि प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, मैं वेरीफाई कर दूंगा। ओके, वेरीफाई करने के बाद वो कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट, मुझे अभी इसमें से कुछ भी नहीं करना, मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्किप करने के बाद अब यहाँ पर जो पेज आएगा ना आपके पास, तो यहाँ पर एक लिखा आ रहा होगा गेट स्टूडेंट डेवलपर पैक। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पार्टिसिपेंट्स में देख लूं 19। ओके, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि गेट द स्टूडेंट डेवलपर पैक लेना। ठीक है, इस पर गेट द पैक पर आपने क्लिक करना है। जब गेट द पैक, एक मिनट, ओके, गेट द पैक पर आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि लर्न टू शिप सॉफ्टवेयर लाइक अ प्रो वगैरह। ओके, फायदा क्या है ये मैं, अच्छा एक तो ये इसको हमने अपने अगले कोर्स में यूज किया करने गेट को। ठीक है, इसको इस पर हम क्लास रखेंगे, ये है क्या, अभी हम इसमें नहीं जा रहे। ठीक है, जो आपका अगला कोर्स से मुराद ये है कि विजुअल प्रोग्रामिंग का जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं इसको यूज करवाऊंगा। ये स्टूडेंट पैक, अभी जो इसका मकसद था वो ये था कि हम सबके पास एक स्टूडेंट पैक मिल जाए। इस स्टूडेंट पैक के अंदर बेतहाशा फ्री चीजें आपको मिलेंगी, ये जितनी नजर आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास होस्टिंग भी फ्री हमें मिल जाएगी, इसमें हमें डोमेन भी मिल जाएगी फ्री, और बहुत सारी चीजें हैं वो भी फ्री मिलेंगी, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि कौन सी आपके काम की है। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है कि आर यू एलिजिबल पर वो पूछ रहा है कि बिफोर यू रिसीव एक्सेस टू द ऑफर्स, हमें वेरीफाई करना है कि आप स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई दैट यू आर स्टूडेंट। अच्छा, जब वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक करता हूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि ये प्रोसेस है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है हमारे, उसका स्कूल नेम वगैरह एंटर करो, ये वो, तो ये प्रोसेस हमने करना है। तो इस पे जाना किधर है, बेसिकली हमने जाना है गिटहब एजुकेशन पर, या जो इसका लिंक है वो है education.github.com, ये अगर आप देख रहे हैं education.github.com। ठीक है, और इस पे जाकर हमने क्लिक करना है गेट बेनिफिट्स पर, और बेनिफिट्स पर जाकर क्लिक करना है हमने गेट स्टूडेंट बेनिफिट्स पर, और यहाँ पर आके फिर हमने बताना है कि आपका एकेडमिक स्टेटस किधर क्या है। ठीक है, आपका एकेडमिक स्टेटस क्या है, मैं कहता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यही मेरी प्राइमरी ईमेल है। ठीक है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप प्लीज प्रोवाइड ऑफिशियल डेटेड प्रूफ ऑफ एकेडमिक अफिलिएशन। ठीक है, यहाँ पर या तो आपको जो आईडी कार्ड है ना, सॉरी, जो आपका गिफ्ट का वो कार्ड है उसकी तस्वीर बनाकर कैम स्कैनर से वो अपलोड कर दें, या जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, ट्रांसक्रिप्ट का पता है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो टाइम्स पर नजर आती है उसकी तस्वीरें लेकर यहाँ पर कर दें, या कोई एनरोलमेंट की वेरिफिकेशन वो यहाँ पर जो है आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक काम कर लेना है। ये करके यहाँ पर वो पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज गिटहब फॉर माय, फॉर एग्जांपल, स्कूल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स।
ये लिख कर जो है ना, आपने सबमिट योर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी तो वो 4 से 5 दिन लेंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? यानी कि उम्मीद है कि अगर आप ये आज कर लेते हैं तो आपकी अगली क्लास से पहले वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन क्या की ईमेल हमारे पास किस तरह से नजर आएगी, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं तो ये इस तरह की मेल आएगी, ठीक है? यू हैव द पैक नाउ व्हाट, ठीक है? इस तरह से मेल आएगी, फिर नेक्स्ट जो काम करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये था इसका कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है? इसमें बेसिक जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया, लेकिन ये गिट है क्या वो हम आगे जाके कभी देखेंगे, ठीक है? अच्छा, हम वापस आते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमने जूमला को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैंने एच टी डॉक्स में जाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रीनेम करूंगा, इसी इसी फोल्डर को रीनेम करना है, ठीक है? आपने किसी नया फोल्डर नहीं बना देना, इसी फोल्डर को आपने रीनेम कर देना है। मैं इसको रीनेम करता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वेब सीएमएस, एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे ब्राउजर पर। ब्राउजर पर जाने से पहले हमें क्या चीज करनी है, हमें जैम्प को स्टार्ट करना है। मैं इसको ओपन करता हूँ। सो जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन होगा, कभी कभी टाइम ले लेता है, ओपन तो हो गया लेकिन इसका इंटरफेस शो होने में थोड़ा सा। हाँ ओके, अब यहां पर जाकर मैं अपाची सर्वर ऑन करूंगा और उसके बाद माई एसक्यूएल सर्वर ऑन करूंगा। ये ऑन कर दिया, यहां से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पर। ब्राउजर पर जाने के बाद क्या लिखना है हमने, लोकल होस्ट हमने लिखा है, उसका नाम वेब सी एम एस, एंटर प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है? एंटर प्रेस कर दिया, साथ में जरा ना आपको लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन ओपन कर दूं। ओके, यहां पर हम चले गए, यहां पर जाकर हमने अपनी साइट का नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सी एस ट्यूटोरियल्स हब, कोई इसका नाम दे रहा हूं। ईमेल में जाकर मैं अपना ईमेल दे दूंगा, अहमद बशीर एट गिफ्ट डॉट ई डी यू डॉट पी के। यूजर नेम में जाके अहमद गिफ्ट, और पासवर्ड जो भी आपको याद रहे। ओके, पासवर्ड जो भी आपको याद रहे, और पासवर्ड के बाद हमने किस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर इंस्टॉलेशन में कुछ बच्चे जो है वो गलती कर रहे थे कि होस्ट नेम तो आपका रहना है लोकल होस्ट, यूजर नेम में आपने क्या लिखना है, रूट, ठीक है? यूजर नेम में क्या लिखना है, रूट, और पासवर्ड आपने एम्प्टी छोड़ देना है। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे दें, फॉर एग्जाम्पल वेब सी एम एस अंडरस्कोर डेमो साइट, ठीक है? ये मैं दे रहा हूं, आप कुछ भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। बस ये जहन में रखिएगा कि डेटाबेस का नाम देते हुए आपने देख लेना कि वो डेटाबेस पहले से उस नाम से तो नहीं बनी हुई, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है कि क्या आप सैंपल डाटा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, हमें सैंपल डाटा नहीं चाहिए। और उसके बाद सिंपली आप इंस्टॉल पर क्लिक करें, इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स और जो है जूमला इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? जी अब आप, सर ये जो टेबल किस पे हम बोला होगा लास्ट पे ऑप्शन जो होती है टेबल वो सर क्या होता है वो थोड़ा सा बता दें सॉरी जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर। वो जो टेबल का सीक्वेंस उन्होंने बताया था सर वो नीचे एंड पे वो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो उसका क्या मतलब है सर। टेबल प्रीफिक्स, जी बिल्कुल ओके। यहां से मैं कोई ऐसी डाटाबेस ओपन कर रहा हूं जो जूमला की साइट की डाटाबेस है, ठीक है?
यहां पर अब अगर आप देखें, ये उस जब हम जुमला की डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें ये इतने सारे टेबल क्रिएट होते हैं, ठीक है? ओके, यहां पर टेबल नेम में क्या चीज कॉमन है? EXTDM EXTDM, एक्शन ठीक है? लॉग्स। EXTDM, यहां पर देखें हर टेबल नेम में सबसे टेबल नेम किससे शुरू हो रहा है? EXTDM, ठीक है? ये प्रीफिक्स होता है, ये प्रीफिक्स आपने जो भी सेट करना है कर लें, इट्स अप टू यू। इसको टेबल प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है? मैं जब बना रहा था सर, ये जो आपके पास आया था ना भाई, डिफॉल्ट मेरा और कोई आया था। हाँ, वो डिफॉल्ट हर एक का, किसी का कोई भी आ सकता है, ठीक है? तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको डिफॉल्ट रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव इंस्टॉलेशन फोल्डर और एडमिनिस्ट्रेटर साइट पर मैं चला गया। और यहां से अब हम बताते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या करना है। आज के लेक्चर में हमने देखना कि जूमला का कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? जूमला का कंटेंट, कंटेंट में जो सबसे अहम चीज है वो है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जूमला में है, जो स्मॉलेस्ट कंटेंट का पीस है, वो आर्टिकल है, ठीक है? आर्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कंटेंट, और ये आर्टिकल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैटेगरीज में। इसका क्या मतलब है, इसका भी मैं समझाता हूं आपको। और उसके बाद हम पेजेस बना सकते हैं, और वो पेजेस वगैरह किस तरह से आर्टिकल को शो करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब जो तरीका कार है, इसको हम एक नाम दे लेते हैं, जुमला में कंटेंट ऐड करने के तरीके कार को, इसको हम कहते हैं कैश फ्लो, ठीक है? कैश फ्लो क्या है? CASH। सो CASH क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्रिएट करो कैटेगरीज, ठीक है? सबसे पहले आप क्रिएट करो कैटेगरीज, उसके बाद आप क्रिएट करो आर्टिकल्स, और उसके बाद क्या करो, आप उन कैटेगरी जो आर्टिकल्स हैं उनको क्या करो, शो करवाओ, ठीक है? स्टेप नंबर वन, क्रिएट द कैटेगरीज। स्टेप नंबर टू, एड आर्टिकल्स। एंड स्टेप नंबर थ्री, शो देम। सो कैटेगरी, कैटेगरी क्या करती है, चीजों को कैटेगराइज करती है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, हम यहां से जाते हैं एक वेबसाइट पर जो मैं पहले भी जा चुका हूं, इस वेबसाइट पर। ओके, इस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो यहां पर मुझे, जस्ट अ मिनट यार। ओके, यहां पर मुझे एंड्रॉइड लिखा नजर आ रहा है, जावा लिखा नजर आ रहा है, .NET कोर लिखा नजर आ रहा है, PHP लिखा नजर आ रहा है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि एंड्रॉइड पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड्रॉइड से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जावा पर मैं क्लिक करूंगा तो जावा से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी इस वेबसाइट में है। सो मैं फॉर एग्जांपल PHP पर क्लिक करता हूं, सो PHP पर जब मैं क्लिक करता हूं तो वो क्या कह रहा है, कैटेगरी क्या है, PHP कैटेगरी PHP। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैटेगरी किस लिए इस्तेमाल होती है, आपके कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए। और उस कैटेगरी के अंदर आप जितनी चीजें पढ़ी होंगी वो किससे रेलेवेंट होंगी, PHP से रेलेवेंट होंगी, ठीक है? PHP से रेलेवेंट होंगी। सो ये काम होता है कैटेगराइज का, कैटेगरीज क्रिएट करने का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम आर्टिकल्स को ऐड करेंगे।
आर्टिकल को पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के साथ उसको हम क्या असाइन करेंगे, असाइन देम अ कैटेगरी, कैटेगरी ठीक है, हम बताएंगे कि ये आर्टिकल बिलोंग करता है इस कैटेगरी को। उसके बाद तीसरा काम है शो, शो शो के लिए हमें उन कैटेगरीज को विजिबल करवाना पड़ता है मेन्यूज में। सो ये काम आज हमने करना है, इसको हम अब शुरू करते हैं। सो आई गेस इट्स 8:30 मीटिंग टाइम, हमारे पास 10 मिनट है। ओके जी, ये हमारी वेबसाइट थी। पासवर्ड वगैरह मैं एंटर करता हूं और इसको हम अलाउ कर देते हैं, रीड मैसेजेस करके एक दफा मैं इसको हाइड कर देता हूं ताकि ये नोटिफिकेशन यहां पर ना रहे, और यहां पर मैं हाइड ऑल मैसेजेस कर देता हूं। अब सबसे पहले काम मैं बता दूं कि ये तो एक डेमो साइट मैं बना रहा हूं, ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर। आप क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहां पर जो हमारे हैंडआउट्स में वो साइट लेकर चल रहा है ना, हैंडआउट्स में जो साइट लेकर चल रहा है, या तो आप उसको बना लें, ठीक है, वो एक वो बता रहा है कि मिसाल के तौर पर वो क्या, यहां पर उसने साइट प्लानिंग का बताया कि आप जब अपनी साइट प्लान कर रहे हैं तो आप सोचें कि आप किस किस्म की उसमें पोस्ट या आर्टिकल्स होंगे। अब ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये आप अपनी मर्जी से सोच लें, जी आप कह रहे हैं कि जी इसमें क्लाइमेट से रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे, लोकेशन से रेलिवेंट होंगे, हिस्ट्री से, म्यूजियम, जू और ट्रेन वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट और हिस्ट्री वगैरह है ये इसकी हम कैटेगरी क्या बना लेंगे, इंफॉर्मेशन। म्यूजियम, जू, एक्वेरियम की कैटेगरी हम क्या बना लेंगे, अट्रैक्शंस। ये इट्स अप टू यू, जो आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं साथ साथ उसी तरह से बना के ये चीजें प्रैक्टिस करते रहे। ओके, सो हम वापस आते हैं। सो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने क्या क्रिएट करनी है, कैटेगरी, कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है। और अब ये जो एज अ सीपी समझ लें, ठीक है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैं किसी से कुछ भी जो है उसका नाम लेकर उसको जरा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जरा अगर आप कोई 100 के लेट के लेक्चर ले रहे हैं तो मुतवज्जा रहे। यस सर। ओके, सो कैटेगरीज पर मैं क्लिक करता हूं, और कैटेगरीज पर जाने के लिए हमारे पास दो तरीके कार है, कि कंटेंट में जाकर हम कैटेगरीज पर क्लिक कर लें, तो मैं यहां से जाऊंगा कंटेंट में और यहां से मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूंगा। तो हम अगर अपनी साइट का मिसाल के तौर पर प्लान करें तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मिसाल के तौर पर 3 किस्म की कैटेगरीज होंगी। नंबर 1 मेरे जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे हमारी वेब से रिलेटेड चीजों पर, दूसरा जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे हमारे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप से रिलेटेड चीजों पर, तीसरा जो है वो हमारा होगा मोबाइल से रिलेटेड पर, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड चीजों पर। सो ये हम कैटेगरीज 3 मेजर कह रहे हैं कि हमारी ये होंगी, ठीक है। तो यहां से हम जाते हैं टाइटल पर, और टाइटल में जाके मैं कैटेगरी का नाम लिखता हूं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। और यहां पर मैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, दिस कैटेगरी कंटेन्स दी आर्टिकल्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। ओके, और इसमें हमें और कुछ भी नहीं चीजें छेड़नी। मैं इसको क्या करूंगा, मुझे क्योंकि
यहाँ पर देखें ऊपर एक दो तीन तीन ऑप्शंस हैं सेव से रेलेवेंट। एक तो है सिर्फ सेव, अगर मैं सिर्फ सेव पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा कि सेव करके मेरे पास यही पेज रीलोड हो जाएगा। अगर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करूंगा तो वो सेव करके क्लोज कर देगा इस कैटेगरी क्रिएट करने को, बल्कि मुझे ले जाएगा तमाम कैटेगरी शो करवाएगा। मैं न्यू पर दोबारा क्लिक करता हूं और उसके बाद हम सेव एंड न्यू देखेंगे। यहां पर दूसरी कैटेगरी मैं बनाता हूं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दिस कैटेगरी कंटेन्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू डेस्कटॉप एप्स। और उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक और कैटेगरी बनानी है, तो मैं लिखूंगा क्लिक करूंगा सेव एंड न्यू पर। सेव एंड न्यू पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा मोबाइल एप्स डेवलपमेंट। ओके, और यहां पर भी मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। दिस कैटेगरी कंटेन्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू मोबाइल एप्स। और यहां पर अब मैं इसको कर दूंगा सेव एंड क्लोज। सो यहां पर अगेन स्टेप्स इन कैश फ्लो हम दोबारा जहन में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, कैटेगराइज करना था, ठीक है। कैटेगराइज कर लिया, अब कैटेगराइज करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आर्टिकल ऐड करने हैं, ठीक है। और आर्टिकल अब हम ऐड करना सीखते हैं कि आर्टिकल किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। यहां से हम जाएंगे कंटेंट पर। अगेन मैं पहले आपको कंट्रोल पैनल पर ले जाता हूं। यहां पर अच्छा ये देखें लेटेस्ट सेक्शन में वो मुझे बता रहा है कि आपने क्या किया, आपने जी एक नई कैटेगरी ये ऐड की है, ये ऐड की है, ये ऐड की है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल ऐड करने का तरीकेकार हमारे पास दो, वही कंटेंट में जाके आर्टिकल्स पर चले जाएं या यहां से न्यू आर्टिकल क्लिक कर लें। तो मैं कंसिस्टेंट रहूंगा जी। ये तीसरी लाइन पे क्या है, ये परफॉर्म अ चेक इन इनटू टेबल कैटेगरीज। अच्छा वो जब कैटेगरी क्रिएट होती है ना, ठीक है, तो वो कैटेगरी का टेबल भी बनता है डेटाबेस में, ठीक है। तो वो उसके उसका उसका वो बता रहा है। अच्छा सो कंटेंट में जब हम जाते हैं, कंटेंट में जाकर आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स पर मैं क्लिक करता हूं ऐड न्यू आर्टिकल पर। ऐड न्यू आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये शो हो रहा है। तो आर्टिकल ऐड करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने आर्टिकल का बताना है टाइटल। यहां पर टाइटल में इस टाइटल बार में इस जो टाइटल के लिए वो ऑप्शन दे रहा है, इसमें आपने बताना है आर्टिकल। आर्टिकल का टाइटल बताने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने आर्टिकल का कंटेंट लिखना है, ठीक है। आर्टिकल का क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। आर्टिकल के कंटेंट में आप जो भी लिख रहे हैं उसमें ये इसको कंटेंट एडिटर को आज हमने देखना सारा ये देखेंगे। और उसके बाद आपने आर्टिकल का कंटेंट लिखने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, आर्टिकल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो हम अपना जो आर्टिकल लिखना का प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट मीटिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि एक मिनट रह गया है और तो वो फिर जरा कट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई अच्छा मुझे ये जरा ये बताएं कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ अभी लाइव लेक्चर में, साथ साथ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ कर रहे हैं? मैं सर, मैं कर रहा हूँ। ओके गुड, दो ही हैं? मैं भी कर रही हूँ। ओके तीन,
सर मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, आज नहीं। अच्छा लेट स्टार्ट किया था। अच्छा, वो जरा मैं जरा गिटहब पे आ जाऊं, क्योंकि वो आपकी एक ऑनलाइन एक्टिविटी थी पहली, और उसके कोई ना कोई मार्क्स होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने github.com पर जाकर आपने जब लॉगिन करना है ना, ठीक है, लॉगिन जब करेंगे तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरी, योर प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। आपने क्लिक करना है योर प्रोफाइल पर, और यहां पर जो लिंक आ रहा होगा ना, ये लिंक, ठीक है, ये लिंक आपने कॉपी करना है, और ये लिंक, इस लिंक को कॉपी करना है, और यहां पर अभी मैं एक क्रिएट कर दूंगा पोस्ट क्लास। ओके जी, वी वर टॉकिंग अबाउट जूमला कैश फ्लो, और कैश फ्लो में सबसे पहला काम क्या था, कैटेगराइज करना, दूसरा काम क्या था, आर्टिकल लिखना। और आर्टिकल लिखने में मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल देना है, उसके बाद आर्टिकल का कंटेंट लिखना है, और उसके बाद आर्टिकल की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सो आर्टिकल का मैं टाइटल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू GUI प्रोग्रामिंग। ओके, अब इसका मैंने कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने के लिए अब हमारे पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एडिटर मुझे शो हो रहा है, इसमें वो तमाम चीजें हैं जो एक टिपिकल एमएस वर्ड के एडिटर में होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, साथ साथ कंटेंट एडिटिंग भी देखते हैं कि ये किस तरह से कंटेंट साथ एडिट होता। तो आर्टिकल का जी सबसे पहले मुझे देना है वो हेडिंग सी देनी है। तो हेडिंग के लिए मैं यहां पर जाऊंगा और इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हेडिंग वन, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग। ओके, हेडिंग मैंने दे ली। अब मैंने इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखना है, और वो कंटेंट यहां पर आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले से कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये फॉर एग्जांपल ये आपके विजुअल प्रोग्रामिंग के हैंडआउट्स हैं, उधर से मैं ये चीज कॉपी कर रहा हूं और यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूं। तो अगर आप कहीं और से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो जो फॉर्मेटिंग इसकी उधर होगी एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग इसकी इधर आएगी, ठीक है। तो यहां पर पहले मैंने इतना सा कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद मैं इसके एक मिनट, ये मैं डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट सारा कर सकता हूं, लेकिन हमने सारा प्रोसेस सीखना है कि ये किस तरह से चलता है। So, उसके बाद जो चीज आ रही है वो आ रही है, एक हेडिंग आ रही है GUI एग्जांपल्स की। अब जो आर्टिकल की मेन हेडिंग थी वो मैंने लिखी है किसमें, कौन से टैग में लिखी है, H1 में या 2 में? H1 में, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था यहां से, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, हेडिंग 1, ठीक है, क्या सिलेक्ट किया था, हेडिंग 1 सेलेक्ट किया था, ठीक है। और ये जो यहां पर तो हमें विजुअल एडिटर नजर आ रहा है, लेकिन बैक एंड पर ये किस तरह से काम कर रहा है, ये लिख इसकी HTML ही रहे। आप देखना चाहते हैं तो यहां से आप टॉगल एडिटर करें और ये देखें, ये उसने उसकी HTML लिखी हुई है, ठीक है। इसको हम वापस ले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहां पर डायरेक्ट HTML भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस लेकर जाता हूं, इसको मैं हेडिंग में 1 में ले जाता हूं। ओके, तो अगर आप मेन टाइटल H1 में लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल के जो सब टाइटल्स होने चाहिए वो कौन सी हेडिंग में होने चाहिए,
हेडिंग लेवल टू पर होने चाहिए, ठीक है, हेडिंग लेवल टू पर होने चाहिए. सो हेडिंग लेवल टू पर मैं जाकर लिखता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है. फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, GUI. अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जी और यू और आई को बोल्ड करना चाह रहा हूं. तो मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है बोल्ड करने की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा. इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इस पर जाकर क्लिक करूंगा, ये बोल्ड हो जाएगा. इसको सिलेक्ट करूंगा और शॉर्टकट की कंट्रोल बी, शॉर्टकट की कौन सी, कंट्रोल प्लस बी अगर यूज करूंगा तो ये उसको बोल्ड कर देगा. ओके जी, सो बोल्ड करने के बाद नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहां से अपने आर्टिकल को देखूं अपने नोट्स में से, तो इसमें आगे इमेजेस हैं. ओके, यहां पर अब हमने देखना है कि हमारे पास इमेजेस की क्या सपोर्ट अवेलेबल है. यहां पर अगर हम अपने एडिटर में देखें तो हमारे एडिटर में कई इमेज नजर आ रही है. ओके, ये नजर आ रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो वो मुझे मीडिया के फोल्डर में ले गया. लेकिन अब मैं इस आर्टिकल को यहां पर सेव कर रहा हूं. सेव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कंटेंट पर जा रहा हूं, कंटेंट पर क्लिक करूंगा. सॉरी, यहां से पहले मुझे क्लोज करना होगा और यहां से मैं कंटेंट पर जाऊंगा और मीडिया पर जाऊंगा. एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जितनी जो आपकी मेजर कैटेगरीज होती हैं, आपके आर्टिकल्स किस तरह से कैटेगराइज होते हैं यूजिंग द कैटेगरीज, तो आपकी जो मीडिया फाइल्स हैं या वो किस तरह से कैटेगराइज होंगी यूजिंग फोल्डर्स, ठीक है. तो मीडिया में जाएं, मीडिया में जाकर क्या करें, आप फोल्डर बना दें. मैं एक फोल्डर कहता हूं कि जी ये फोल्डर होगा मेरी वेब वाली कैटेगरी से रिलेटेड. मैं क्रिएट फोल्डर कर देता हूं, इसी ये पहला फोल्डर मेरा बन गया. फिर मैं क्रिएट फोल्डर करूंगा, ये होगा जी फोल्डर डेस्कटॉप से रिलेटेड और ये मेरा फोल्डर होगा मोबाइल ऐप से रिलेटेड. इसका क्या मतलब है कि जो मैं इमेजेस वगैरह मोबाइल ऐप से रिलेटेड आर्टिकल के लिए लिख रहा हूंगा वो मैं इसमें रखूंगा, जो वेब से लिख रहा हूंगा वो इसमें रखूंगा, ठीक है. तो हर कैटेगरी के लिए आप बेहतर है कि फोल्डर बना लें. अब मैं वापस जाऊंगा अपने आर्टिकल्स में और सॉरी ये ऐड नहीं था करना, हम अपने आर्टिकल्स में जाएंगे, इसको एडिट करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी आर्टिकल पर ले जाएगा. अब मैं जाता हूं इमेज पर क्लिक करता हूं, इमेज पर जब क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है कि आपने आपके पास ये फोल्डर है, लेकिन अभी इन फोल्डर्स में कोई इमेज नहीं थी. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस इमेज को अपलोड करना है. तो मैं चूज फाइल करता हूं और यहां पर मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई थी, ये इसको मैं ओपन करता हूं. ओके, यहां पे वो कुछ चीजें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इमेज को फ्लोट किधर करना है. मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल फ्लोट सेंटर, इमेज की डिस्क्रिप्शन बता दें, वर्ड एमएस वर्ड गुई एग्जांपल. उसके बाद इमेज का टाइटल पूछ रहा है, ये भी मैं यही लिख रहा हूं, और कैप्शन पूछ रहा है, कैप्शन इमेज के नीचे शो होती है, ठीक है. प्लस वो कैप्शन की क्लास पूछ रहा है कि ये आपने टेक्स्ट लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है. मैं टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूं और क्लिक करूंगा. सबसे पहले ठहर जाए, यहां पर मुझे ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, ठीक है, और क्लिक करूंगा स्टार्ट अपलोड पर. अब डेस्कटॉप वाले फोल्डर में ये वाली इमेज जो है आ चुकी है, इसको मैं करता हूं क्लोज. ओके, अब मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो मैं इमेजेस में दोबारा से प्रोसेस जरा आपको बता दूं. अगर आपके पास इमेज पहले से अपलोडेड है तो आप इधर जाके सिंपल इमेज को सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप में मैंने रखी हुई थी इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे.
और जब मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया ये तो बहुत बड़ी इमेज आ गई। अब इसको रिसाइज करने के कितने तरीके कार, एक तो ये है कि आप इमेज पर क्लिक करें और ये जो कॉर्नर्स हैं इससे इसको छोटा कर लें, ठीक है, इससे मैंने इसको छोटा कर लिया। दूसरा तरीका कार हम जब दूसरी इमेज लगाएंगे उसके साथ देखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपनी पहली इमेज ऐड की। इसी तरह से मैं यहां पर फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यहां पर मैं बता देता हूं कि ये किसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहां पर मिसाल के तौर पर मैं इसको हेडिंग 3 में लिख देता हूं कि एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड GUI। इसी तरह से यहां पर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल ऑफ इंटेलीजे हम यूज करेंगे अपने अगले कोर्स में, ओके। और यहां से अब मुझे इमेज इंसर्ट करनी है उसके लिए। सो प्रोसेस वही है, इमेज मेरे पास अपलोडेड नहीं है तो मैं यहां से चूज फाइल करूंगा और इस इमेज को यहां पर अपलोड कर दूंगा। फ्लोट इसको हम फॉर एग्जांपल लेफ्ट कर दें या सेंटर कर दें। इमेज की कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा, इंटेलीजे इमेज कॉपी और कैप्शन क्लास हम इसको दे देंगे। कैप्शन क्लास में जो है मैं स्टार्ट अपलोड करता हूं और इसको सेलेक्ट करके यहां से इंसर्ट कर देता हूं। जब इंसर्ट किया तो अगेन ये इमेज काफी बड़ी है। अब दूसरा तरीका रिसाइज करने का क्या है कि हम इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो फॉर एग्जांपल इमेज डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं, एडवांस में जाके उसके स्टाइल वगैरह भी बता सकते हैं। ये जब हम स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे तो हम इन चीजों को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं डायमेंशन में जाके उसको कहता हूँ कि ये 600x600 की इमेज हो। अगर कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस करेंगे तो ये इसको इक्वली डायमेंशन देगी। जो यहां पर मैं दूंगा वही यहां पर मुझे मिलेंगी। मैं इसके बाद ओके पर क्लिक करता हूं। ओके पर क्लिक किया, थोड़ा सा मैं इसको मजीद छोटा कर रहा हूं, ओके। यहां पर ये मेरी दूसरी इमेज इंसर्ट हो गई, ओके। अभी तक हमने सर ये जो डिस्क्रिप्शन और वो लिखते हैं जो टाइटल, वो कहां पर शो करवा रहा है? नहीं, डिस्क्रिप्शन टाइटल शो नहीं होता, कैप्शन सिर्फ शो होता है, वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन और वो टाइटल वगैरह होता है ना, वो सर्च इंजन्स के लिए होता है, ठीक है। जिस तरह हम वो बात करते थे वेब का जब कोर्स पढ़ रहे थे, इमेज का टैग लगाते थे, तो इमेज का टैग लगाने के बाद हम उसमें बताते थे कि मिसाल के तौर पर अल्टरनेटिव बताते थे उसमें, पता है, alt की एट्रीब्यूट यूज करते थे, और alt की एट्रीब्यूट तब इस्तेमाल होती थी अगर आपकी इमेज लोड ना हो पाए तो उसकी जगह वो टेक्स्ट यूज हो रहा होता था। दूसरा फायदा इसका ये होता था कि जो ब्लाइंड यूजर्स होते हैं, जो स्क्रीन रीडर यूज कर रहे होते हैं, वो जब स्क्रीन रीडर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो आपकी स्क्रीन को रीड करके बता रही होती है, ठीक है। तो वो जब इमेज पे आती है तो इमेज को क्या रीड करके बताएगी, तो वो जो आर्ट में हमने चीज लिखी होती है वो उसको रीड करके बताती है। ओके, अब हम अपने आर्टिकल को देखते हैं और इसमें मजीद दूसरी चीजें डालते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये एक हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट है, इसको मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट अगर करूं तो ये बिल्कुल उसी तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये जो हेडिंग है ये H3 थी, यहां पर भी H3 थी, अगर यहां पर देखें आपको ये नजर आ रहा है, ये हेडिंग 3 थी, यहां पर मैं लाया हूं तो यहां पर भी ये क्या होगी, हेडिंग 3 ही होगी। सो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 में, हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दिया और ये बीच में उसका कुछ टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं बस इसी टेक्स्ट को जो है ना जरा बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सेम टेक्स्ट को, और उसके बाद मैं कुछ यहां से इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूं और इसके लिए मैं हेडिंग दे देता हूं। मैं स्क्रीन जरा जूम आउट कर लूं,
यहां से हेडिंग सेलेक्ट की, हेडिंग टू, और यहां पर हम देते हैं एमवीसी इन जावा एफएक्स, और यहां पर मैं उस कंटेंट को पेस्ट करता हूं. ओके, सो ये अभी तक जो हमारी फ्लो है कंटेंट का वो कुछ इस तरह से है. हेडिंग वन है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है, हेडिंग टू है, उसके नीचे कुछ इमेजेस भी हैं, उसके बाद ढेर सारा टेक्स्ट है और ये. अच्छा, अब हम अपने कंटेंट एडिटर को देखते हैं इसमें क्या क्या है. टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो ये हम यूज कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इन चीजों का आपको पता होगा. इसका क्या मतलब है, अलाइन लेफ्ट करना हो, अलाइन सेंटर करना हो, अलाइन राइट करना हो, या जस्टिफाई करना हो. ठीक है, सो जस्टिफाई क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, सर वो एक ही लाइन में काट देगा हमको, मतलब दोनों साइडों से बराबर वर्ड्स हाँ, इसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं. ठीक है, इसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं. ठीक है, सो जस्टिफाई ये करता है. उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस है फॉर्मेट्स का, कि हेडिंग्स हमारे पास ये अवेलेबल है, इन लाइन हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है. मिसाल के तौर पर मैंने कहीं कोड इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं यहां पर किधर गया, ये फॉर्मेट्स में जाकर ये कोड यूज करूंगा और यहां पर जाकर फिर मैं कोड लिख सकता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट आयो. सो अब आपको फर्क नजर आ रहा है आर्म टेक्स्ट में और कोड में, उसने कोड की फॉर्मेटिंग किसी और तरह से की है. इसी तरह से मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कुछ इस तरह से चीजें लिख रहा हूं. या फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डॉट स्टार्ट. सो ये इस तरह से हम कोड लिख सकते हैं. वापस जाता हूं, वापस हम इसके फॉर्मेट्स को देखते हैं और हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं. पैराग्राफ का ब्लॉक है, ब्लॉक कोट है, डिव वगैरह बनानी है, प्री का टैग बनाना है. ठीक है, अगर मैं अगेन इसको टॉगल करके दिखाऊं आपको तो ये सारी क्या है, HTML है. इसके पीछे सारी HTML लगी हुई है. ठीक है, ये सारी HTML आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, अगर मैं कोड पे जाऊं तो कोड पे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से कोड को उसने एडिट किया, क्योंकि मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया था, दैट्स व्हाई जो है वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है. ओके, उसके बाद हमारे पास अगेन ये उसी की बता रहा है कि जस्ट ये उसी का हमारे पास शॉर्टकट है कि अगर आप प्री फॉर्मेटेड यूज करना चाह रहे हैं या फॉर्मेटेड यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर वापस पैराग्राफ के ब्लॉक में आ जाते हैं. तो ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिलीज जो अवेलेबल हैं हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट साइज का. फॉन्ट साइज हम यहां से चेंज कर सकते हैं. उसके बाद जो ऑप्शन है वो है फाइंड एंड रिप्लेस की. फाइंड कुछ टेक्स्ट फाइंड करें और उसको किसी टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर दें. ये आपने वर्ड में ऑप्शन यूज की होगी. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम बुलेटेड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, बुलेट लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास बुलेट लिस्ट का ऑप्शन है. इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मेरे पास आइटम वन, आइटम टू एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है उसके बाद मजीद जो ऑप्शंस हैं वो नंबर्ड लिस्ट है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट. इसका क्या मतलब है, किसी को आइडिया है इसका, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का? नो सर. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई
select this paragraph and I say increase indent. तो क्या हुआ? Space दे दिया. हाँ, right एक tab कह लें, एक दफा tab press हो गया उस पूरे article के उस पूरे content के लिए जो select किया हुआ. मैं दो दफा करूँगा तो दो दफा press हो जाएगा, ठीक है? So ये इसको decrease करूँगा और मैं इसको वापस उस पर ले आऊँगा. उसके बाद ये जो दो options हैं, undo की है और redo की है. Undo और redo के option का आपको अंदाजा है कि ये क्या होती. ओके जी. उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है किसका, इंसर्ट लिंक का. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिंक इंसर्ट करता हूँ, लिंक का यूआरएल मुझे बताना है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ www.gift.edu.pk. नीचे वो पूछ रहा है कि आपने इस लिंक पे टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करना है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी, लिंक का टाइटल फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद ये रिलेशन क्या होता है, ये अभी हमने बाकी चीजें नहीं देखी हुई तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? टारगेट में वो बता रहा है कि आपने नई विंडो में लिंक खोलना है या इसी में खोलना है, तो अभी हम इसी में रखते हैं. इसको मैं ओके कर देता हूं. ओके, ठीक है. यहां पर मैंने एक टाइटल दिया था. टाइटल क्या करता है याद है किसी को? टाइटल की एट्रीब्यूट जो एचटीएमएल टैग में हम लिखते थे. जी जी जी, वो सर वो वेब पेज के वो स्टार्ट के ऊपर ना वो जो हम लिखते हैं वो टाइटल ये है ना. एक तो ये टाइटल है, ये जो इस पेज का ऊपर ब्राउजर की टैब में शो हो रहा है. मैं लिंक के अंदर टाइटल टैग की बात कर रहा हूँ सर. उसके ऊपर कर्सर थोड़ी देर रखे हैं तो वो बताता है. ये मैं कर्सर इसके ऊपर थोड़ी देर रख रहा हूँ, ठीक है? कर्सर थोड़ी देर इसके ऊपर रख रहा हूँ तो वो मुझे उसका टाइटल शो करवा रहा है, ठीक है? जब मैं इसके ऊपर कर्सर थोड़ा सा रखा तो उसने मुझे उसका टाइटल शो करवाया. ओके, ये तो था लिंक. अच्छा, आपको याद है कि वेब के कोर्स में हमने एक काम किया था, वो एंकर्स बनाए थे. एंकर्स वो हम नीचे जाते थे उस पर क्लिक करते थे टॉप पर चला जाता था, टॉप पर जाते थे क्लिक करते थे नीचे चला जाता था, याद है? जी जी सर. ओके. यस सर. अब मैं बनाने लगा हूं इसके अंदर एंकर्स. एंकर किसी भी उसको एंकर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे जिस चीज को आप एंकर बनाना चाह रहे हैं. पहला एंकर मैं इस पर क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर ये लिखा हुआ है, ये जो इंसर्ट एडिट लिंक के साथ ये जो चीज है इस पर क्लिक करूंगा एंकर और इसको मैं कोई आईडी दे दूंगा, ठीक है? मैं कह रहा हूं गुई एग्जांपल्स, ठीक है? ओके. दूसरा एंकर मैं बनाने लगा हूं गुई हिस्ट्री. तीसरा एंकर हम यहां पर इसको बना देंगे एमवीसी. ओके, अब मैं यहां पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल इन दिस आर्टिकल वी विल गो थ्रू द फॉलोइंग और यहां पर मैं इसको बताता हूं कि नंबर वन मैं इसको GUI examples, नंबर टू पे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ GUI, नंबर थ्री पे मैं लिख रहा हूं एमवीसी पैटर्न इन जावा. ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे GUI example वाले एंकर पर ले जाए, इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे हिस्ट्री वाले उस पर ले जाए, ठीक है? एमवीसी पर क्लिक करूं. सो इसको रियली इन इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर कुछ थोड़ा सा ना टेक्स्ट ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से. मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूं यहां से कॉपी करके. सर इसमें नहीं लोरम इप्सम लाता. 5, 6, 7, 8 आ जाता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको ये कर. ओके, अब हमने इतना सा काम
कर लिया, ठीक है। अब मैं जरा ना बाकी चीजें हम देखते हैं। ओके, ये आर्टिकल हमने कह लें कि जी हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, हमने लिख दिया है। अब मैं इस आर्टिकल को क्या करने लगा हूं, सेव एंड क्लोज, ठीक है। आर्टिकल को क्या करने लगा हूं, सेव एंड क्लोज करने लगा, सेव एंड क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं जाता हूं अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर। मेन पेज पर जब मैं जाता हूं तो मुझे नजर आता है कि यहां पे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब क्या करें, अब हम दोबारा से जरा रिवाइज करें तो वो जो मैंने कैश फ्लो बताया था वो क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था उसमें, कैटेगराइज। दूसरा स्टेप क्या था, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, क्रिएट आर्टिकल, कैटेगराइज, क्रिएट आर्टिकल। तीसरा स्टेप क्या था, शो। अब हम शो करवाने जा रहे हैं, तो शो करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये मेन्यू के अंदर कैटेगरीज को शो करवाना होगा, ठीक है। तो मैं मेन्यूज में जाता हूं और मेन मेन्यू में जाता हूं, ठीक है। ये साथ साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्सप्लोर होंगे, ठीक है। मेन मेन्यू में मैं जाता हूं तो एड मेन्यू आइटम, और एड मेन्यू आइटम में यहां पर मैं मेन्यू का टाइटल दे देता हूं सबसे पहले, कि मेन्यू का टाइटल। मेन्यू का टाइटल क्या होता है कि यहां पर ये होम लिखा आ रहा है ना, तो यहां पर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डेस्कटॉप एप्स, डेस्कटॉप एप्स डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मेन्यू आइटम टाइप, यहाँ पर काफी सारी टाइप्स हैं, हम इनको साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे जब हम ये चीजें सीखते जाएंगे। अभी हमने आर्टिकल्स देखी है और आर्टिकल्स में वो फिर मजीद टाइप्स बता रहा है कि ये किस तरह का मेन्यू होगा। यहाँ पर कैटेगरी हमने शो करवानी है तो मैं कहूंगा कि ये वाला कैटेगरी ब्लॉक को सेलेक्ट करो। ये क्या बता रहा है कि डिस्प्लेज आर्टिकल इंट्रोडक्शन इन अ सिंगल और मल्टी कॉलम, इन अ सिंगल और मल्टी कॉलम लेआउट। इस पर मैं क्लिक करता हूं, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहां से मैं कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा कि कौन सी कैटेगरी शो करवानी है, किस कैटेगरी के साथ इसको लिंक करना है, मैंने इसके साथ इसको लिंक करना है, और ये टैग्स वगैरह अभी इसको देने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें इसको डिफॉल्ट छोड़ते हैं और इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूं, ठीक है। सेव एंड क्लोज करने से पहले मैं एक दफा अपने आर्टिकल्स में जाकर देख लूं कि मैंने उसको कैटेगरी दी थी नहीं, मैंने आर्टिकल के जो कैटेगरी था वो मैंने उसको कैटेगराइज नहीं किया। तो अगर मैं कैटेगरीज में जाके देखूं, सॉरी, तो क्लोज में जाता हूं, मैं कंटेंट में जाता हूं और यहां पर मैं कैटेगरीज में देखता हूं, तीन कैटेगरीज मैंने खुद बनाई थी और एक कैटेगरी बाय डिफॉल्ट बनी होती है अनकैटेगराइज्ड। So, जो आर्टिकल्स आपकी कैटेगरी में लाए नहीं करते वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं जी, अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। तो अब मैं वापस जाके अपने आर्टिकल की कैटेगरी सेट करता हूँ, कैटेगरी में सेट करता हूँ यहां पर जाकर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेट कर दी, मैं इसको सेव करता हूँ और सॉरी सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, ओके। और अब मैं अपनी होम साइट पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर मुझे ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का नजर आ रहा है, आ रहा है ना? यस सर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा वो आर्टिकल था, इस तरह से बाकी दुनिया को शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें वो जो कोड था, कोड को उसने स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा है, ऑल्दो हमने इसको प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं था किया इसलिए वो इस तरह से शो हो रहा है। अब एंकर्स, ओके, एंकर्स तो मैंने यहां पर इनको एंकर, यहां पर मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया लेकिन यहां पर मैंने इनको लिंक नहीं किया इन एंकर्स के साथ, ठीक है। तो यहां पर अब इनको लिंक कैसे करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये गुई एग्जांपल्स है, इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम इसको लिंक करेंगे किसके साथ, यहां पर ये बता रहा है कि एंकर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन से एंकर के साथ लिंक कर दो जी, इस जो आईडी हमने बताई थी, ओके, इसको इसको भी लिंक कर दो, इसको लिंक करना है दूसरे एंकर के साथ, गुई हिस्ट्री के साथ, ओके।
और इसको लिंक कर रहे हैं, और जो तीसरा एंकर है इसका लिंक करते हैं हम MVC के साथ, और टारगेट इसका हम कर देते हैं न्यू विंडो, ठीक है, और ओके। और इसको हम क्या कर देते हैं, सेव एंड क्लोज। यहां पर हमने सेव एंड क्लोज किया और यहां पर हमें चेंजेस जो है वो विजिबल आएंगी। अब मैं GUI एग्जाम्पल पर जब क्लिक करूंगा तो वो मुझे GUI एग्जाम्पल पर ले जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ GUI पर क्लिक करूंगा तो हिस्ट्री ऑफ GUI वाले इस पर ले जाएगा। MVC पैटर्न पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, नई विंडो ओपन करके MVC पैटर्न वहां पर शो करा देगा। गुड, नई विंडो ओपन करके MVC पैटर्न वहां पर शो करवाएगा, ठीक है। ये होते हैं जी एंकर्स। वापस हम अपने आर्टिकल पे जाते हैं और कंटेंट एडिटिंग के हवाले से बाकी चीजें देखें। जब न्यू विंडो ओपन करेगा तो उसमें क्या सिर्फ MVC वाला करेगा? नहीं 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 नहीं, वो लेकर लेकर जो है MVC वाले पर जाएगा, ठीक है, लेकर MVC वाले पर जाएगा, लेकिन ऊपर सारा टेक्स्ट है, वो आर्टिकल पूरा है, लेकिन डायरेक्ट वो किस पर लेकर जाएगा, MVC वाले पर लेकर जाएगा। ओके, सो यहां पर हमने ये देख लिए, इंसर्ट और एडिट इमेज हमने यहां से देख लिया, ये उसका शॉर्टकट है। उसके बाद सोर्स कोड अगर आपने देखना है अपने इसका, जो मैं टॉगल एडिटर करके देख रहा था, ये सारी इसकी HTML है, ये सोर्स कोड पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या कस्टम कलर आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, ओके करके उसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अपने एडिटर को फुल स्क्रीन में करना चाह रहे हैं, मतलब ये इस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट करें और यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट कर लें कि ये जी फॉर एग्जांपल 4x4 का टेबल ऐड कर दो। अब 4x4 का टेबल ऐड करके इसके इन सेल्स पर जाएं और इसमें जो भी है अपना डाटा वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट है, मिसाल के तौर पर एक्स आई, और ये सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद हम देखते हैं x की पावर फॉर एग्जाम्पल 2, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट्स हैं। उसके बाद स्पेशल करेक्टर को ही एंटर करना है तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद इमोटिकॉन्स अगर आपने एंटर करने हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपने मीडिया एंटर करना है तो यहां से आप वीडियो को अगेन हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में ऐड करना सीखेंगे प्रॉपर, लेकिन ऑप्शन ये है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, आपने देखा होगा कि बाज आर्टिकल्स होते हैं कि थोड़ा सा उसका शुरू वाला टेक्स्ट नजर आ रहा होता है और उसके बाद उन्होंने लिखा होता है रीड मोर। यस यस, ओके, वो करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन है किसकी, रीड मोर की। सो रीड मोर पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। इस आर्टिकल को हम सेव करते हैं, सेव एंड क्लोज। अपने हम रीड मोर कर, सर रीड मोर करेंगे तो ऑटो हो जाएगा या पैराग्राफ सेलेक्ट करके करें? ओके सर, ये रीड मोर ऑटो, रीड मोर जिधर भी आपने रीड मोर इंसर्ट करना है ना, रीड मोर उधर जाकर उधर आप क्लिक करें। मिसाल के तौर पर यहां पर था ना, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, मैंने इधर जाकर ऐड करना है रीड मोर। तो इसका क्या मतलब है, इधर तक तो आर्टिकल नजर आएगा, उसके बाद वो कहेगा कि फॉर रीडिंग मोर रीड मोर क्लिक दिस, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो मुझे फिर वो पूरा आर्टिकल जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। ओके, रीड मोर लगा हुआ है, इसको खत्म कैसे करना है? इस पर लेकर जाके ना, इस पर यहां पर लेकर जाके उसको बैक स्पेस प्रेस करें। ओके सर, नेक्स्ट क्लास आ गई है, अभी तो कोर्स ही एक ऑफर हो रहा है, बस 2 मिनट रह गए खत्म होने लगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो दूसरे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कट के, कॉपी पेस्ट के, ये सारे आपको पता है, ठीक है, ब्लॉक कोड ऐड करना हो, ये टेम्पलेट वगैरह कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनका हमें नहीं पता, ठीक है।
प्रीव्यू का ऑप्शन बड़ा फायदेमंद है कि इस पर जब मैं क्लिक करूं तो मैं देख सकता हूं कि अभी भी ये आर्टिकल किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट एडिट कोड सैंपल, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहां से मैं कोई भी कोड सैंपल, फॉर एग्जांपल पीएचपी का ऐड करना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल पीएचपी एको हेलो, और ओके करता हूं तो वो कोड सैंपल ऐड हो जाएगा। इसका कर्सर अब ये कोड सैंपल ऐड हो गया। इसी तरह से डेट टाइम वगैरह एडिट करनी है या क्लियर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ है मॉड्यूल मेन्यू, ठीक है, इनको अभी हमने पढ़ा नहीं है तो लिहाजा हम इनको नहीं डिस्कस कर रहे। बाकी जो चीजें हैं हमने कुछ देख ली। पेज ब्रेक का क्या मतलब है कि अगर मैं इधर पेज ब्रेक ऐड कर देता हूं, इसके बाद पेज ब्रेक हो जाएगा, इसको मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ, ठीक है। वो जब इसको पब्लिश करूंगा तो उसके बाद वो नजर बता रहा होगा कि यहाँ से अगला पेज ब्रेक सर क्या मतलब, दो पेज बन जाएंगे? हाँ जी, दो पेज बन जाएंगे, ठीक है, बेसिकली लाइन शो करवा रहा होगा। सो ये था कंटेंट एडिटिंग वगैरह। अच्छा, जस्ट एक मिनट रह गया हमारे पास, एक मिनट से भी कम है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके लेक्चर हैंडआउट्स हैं उसमें ये सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। वो नंबर ऑफ पेजेस तो बड़े ज्यादा लगेंगे क्योंकि वो उसमें जो है वो इमेजेस लगी हुई हैं, इसलिए आप उनको देखकर भी गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो है वो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेशन कोई दो चार सेकंड के बाद खत्म होने लगा।